नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पाठ 11, जिसका नाम क्या है बच्चों? कृषक गान। तो कृषक मतलब क्या होता है? किसान होता है, ठीक है। यहाँ पर एक गीत दिया गया है जिसके माध्यम से जो कवि जी हैं वो हमको किसानों की दशा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो इस गीत के रचनाकार कौन है? तो दिनेश भारद्वाज जी हैं। इनका जन्म हुआ था 1943 मुरैना मध्य प्रदेश में। इनका परिचय देख लेते हैं। तो दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती हैं। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। अभी जमीन से जुड़ी रहती है, इसका मतलब क्या होता है? इनकी जो रचना है, जैसे अभी ये जो रचना है कृषक गान, ये हमारे ज़मीन से ही जुड़ी हुई है, यानी हमारे किसानों के बारे में ही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ज़मीन से जुड़ना, ओके। आपकी कहानियाँ, कविताएँ पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती है, यानी इनकी जो कहानियाँ फिर कविताएं होती है पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ जिनको देख लेते हैं, तो जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, ये सभी इनका कविता संग्रह हैं, एकात्म, दोहा संग्रह आदि, ठीक है। पद्य संबंधी देख लेते हैं, तो प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है, यानी ये जो गीत है वो किसानों के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता, अन्नदाता किसको कह रहे हैं? किसान को कह रहे हैं। तो अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहते हैं, यानी जो आज किसानों का क्या होता है, अपमान होता है, ठीक है। तो उसको वो सम्मान दिलाना चाहते हैं कि किसान को उचित सम्मान मिलना ही चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि किसान सबका क्या होता है? अन्नदाता होता है, सबको पालने वाला होता है ना, पालनकर्ता होता है। क्योंकि अगर वो खेतों में अनाज नहीं उगाएगा तो आप खाओगे क्या, बताओ? आपके पास पैसों का ढेर लगा हो, लेकिन अगर किसान ने फसल ही नहीं उगाई, कुछ है ही नहीं, दाल चावल कुछ नहीं है, तो आप खाओगे क्या? क्या पैसा खाओगे? नहीं। तो आप ये तो समझ गए ना कि किसान कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी ने आप लोगों को खाने के लिए खाना दिया है, ठीक है। हमको ये भोजन क्यों मिल पाता है? किसान की ही वजह से, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको और समझते हैं। तो यहाँ पर कवि जी क्या लिखते हैं? हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर झर रहा है। दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। यहाँ पर जो कवि जी हैं वो क्या बताते हैं? जैसे जो किसान होते हैं, इनका जीवन क्या होता है? अभावग्रस्त ही होता है, यानी इनके जीवन में कमी ही कमी रहती है। जैसे हमारा जीवन कैसे सारी सुख सुविधाओं से भरा हुआ होता है, लेकिन किसानों के घर पे ऐसा नहीं होता है। उनके घर पे सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। होती हैं क्या? अगर आप गांव में जाते होंगे तो किसानों को देखते होंगे, उनका जो जीवन है ना वो अभावग्रस्त ही रहता है, अभाव में ही रहता है ना। लेकिन फिर भी उसके पास क्या होता है? संतोष रूपी धन होता है, यानी संतोष होता है, उसको संतोष होता है, उसके पास जितना है वो उतने में ही क्या रहता है? खुश रहता है ना। तो हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर झर रहा है। अभी जगत में मधुमास मतलब क्या? जगत में तो खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, लेकिन जो किसान होता है इसके जीवन में दुख ही होते हैं, है ना। अभी मधुमास मतलब क्या होता है वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ। मधुमास मतलब क्या? बसंत ऋतु होती है। बसंत मतलब जैसे जब बसंत ऋतु आती है तो जो पेड़ होते हैं ना, इस पर नई नई पत्तियाँ आ जाती हैं, सब कुछ एकदम हरा भरा हो जाता है, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, आपको हर तरफ हरियाली देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मधुमास का एग्जांपल देते हुए कहते हैं बसंत ऋतु का, कि जगत में क्या है? बसंत है, लेकिन किसानों के जीवन में क्या है? पतझड़। पतझड़ मतलब क्या होता है? जब पतझड़ आता है ना तो सारी पत्तियाँ क्या होती हैं? झड़ जाती है, एकदम निराशा। अगर आप बगीचे में जाओगे तो सारी पत्तियाँ झरी झरी, पेड़ पौधे बिल्कुल बहुत बेकार लगते, ठीक है। तो यहाँ पे वो किसानों का एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि इनका जीवन में क्या होता है? पतझड़ ही होता है, लेकिन जगत में क्या है? बसंत ऋतु है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम पर भी जो किसान होता है इसका जीवन अभावग्रस्त ही होता है, यानी दुख से भरा हुआ ही होता है। दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं कि दीनता जिसका अभिमान है, यानी ये जो गरीब किसान है उसको अपनी दीनता, मतलब उसकी जो दरिद्रता है, उसको उसी पर क्या है? अभिमान है, गर्व है। तो आज मैं ऐसे कृषक का क्या कर लूँ? मान कर लूँ, यानी मैं भी उसके ऊपर क्या कर लूँ? गर्व कर लूँ। दीनता अभिमान है जिसका, यानी दीनता पे जिसको अभिमान है, गर्व है, आज मैं उस किसान के ऊपर क्या कर लूँ? मान कर लूँ, अभिमान कर लूँ, गर्व कर लूँ, और उस कृषक का गान कर लूँ। यानी जो कवि हैं वो किसान के गीत को गाना चाहते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो ये था इन चार लाइनों का मतलब, और ये शब्दार्थ आप लोग याद रखिएगा। मधुमास मतलब बसंत होता है, पतझड़ यानी
ऑटम सीजन जो होता है ना वो, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई शिजक ने भी धूप छाया, मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लो, उस कृषक का गान कर लो। जैसे जो कृषक होता है यानी जो किसान होता है वो कैसे खेतों में दिन रात मेहनत करता रहता है, वो ना धूप देखता है ना छाव देखता है। देखता है क्या? हमारे लिए तो धूप होती है छाया होती है, लेकिन किसान के लिए कुछ नहीं होती है। हमारे लिए दिन भी होता है रात भी होता है, लेकिन जो किसान है वो दिन रात भी नहीं देखता, हर समय वो अपने खेतों में लगा रहता है, काम करता रहता है, अपने पसीने को बहाता रहता है। और उस पसीने की वजह से क्या होता है, हमको भोजन मिल पाता है, हमको खाने के लिए खाना मिल पाता है। क्यों? क्योंकि किसान ने मेहनत की, मेहनत करके फसल को उगाया, तब जाके वो जो धान गेहूँ है वो हमारी थाली तक आ पाया है ना। तो यहाँ पे कवि जी क्या लिखते हैं कि चूस कर श्रम रक्त जिसका, श्रम रक्त मतलब क्या, पसीना, ठीक है, जगत में मधुरस बनाया, यानी वो जो किसान है जब उसने अपना पसीना बहाया तब जाके जगत को मधुरस यानी कि मीठा रस मिल पाया है ना। जब किसान ने मेहनत की तभी तो पूरा जगत खुशहाल हुआ, अगर वो मेहनत नहीं किया होता तो फिर सब दुखी तो ही होते है ना। एक सी जिसको बनाए सृजक ने भी धूप छाया, यानी ये जो सृजक है मतलब ये जो किसान है इसने क्या किया है, धूप छाया को एक समाना मतलब अंतर नहीं किया, ये धूप में भी काम करता रहा और छाया में भी काम करता रहा, इसने ना दिन देखा ना रात देखा, ठीक है। और फिर आगे क्या कहते हैं कवि जी कि मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, यानी मनुष्यता की, मनुष्यता मतलब क्या होता है, मानवता, ठीक है। तो मानवता के ध्वज तले मैं क्या कर लूँ, आह्वान उसका आज कर लूँ। आह्वान मतलब क्या होता है, किसी को याद करना, जैसे हम भगवान का आह्वान करते हैं, याद करते हैं, उनको पुकारते हैं, तो वैसे ही जो कवि जी हैं वो किसान को पुकारना चाहते हैं, उसका आह्वान करना चाहते हैं और वो किसान के गीत गाना चाहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? चलिए अभी आगे देखते हैं। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है, आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। अभी बच्चों यहाँ पे सुनिएगा, पालक मतलब क्या होता है, पालने वाला, और पालितों मतलब क्या होता है, पालितों मतलब ना जैसे पाले हुए, ठीक है, और पद दलित, पद दलित मतलब क्या, पैरों से कुचला हुआ, ठीक है, और नव सृष्टि यानी नई सृष्टि, ओके। और बस अभी सुनिएगा यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं कि जो किसान है, ठीक है, वो क्या है, विश्व का पालक, विश्व का पालक मतलब विश्व को पालने वाला है ना। एक तरह से देखा जाए तो किसान क्या करता है, विश्व को पालता है कि नहीं, सबको जीवन तो वही दे रहा है ना, क्योंकि उसी की वजह से सबको क्या मिल पा रहा है, भोजन मिल पा रहा है ना, सब लोग एकदम सुख से रह रहे हैं। तो किसान क्या है, विश्व को पालने वाला। तो ये जो किसान है वो क्या कर रहा है, विश्व का पालक बना हुआ है, जो क्या कर रहा है, उसको अमर कर रहा है यानी लोगों को जीवन दे रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। लेकिन यहाँ पर दुख की बात क्या है, वो सबका पालक बना हुआ है, सबको पाल रहा है, सबको जीवन दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, यहाँ पर कवि जी को दुख की बात क्या लगती है कि अपने पालितों के यानी उसने जिसको पाला है, मतलब ये जो किसान है, ठीक है, ये जिसको पाल रहा है वही इसको क्या करते हैं, अपमानित करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अनपढ़ और गवार समझते हैं, है ना। किसानों को ऐसे ही लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा कई बार कि कोई किसान अगर बहुत पढ़े लिखे इंसान से मिलता है तो उसको कहते हैं अनपढ़ और गवार, है ना, उसको एकदम नीच ही समझ जाते हैं, पर ये अच्छी बात नहीं है, है ना। तो यहाँ पे बस कवि जी का दुख यही है कि वो सबको पाल रहा है, सबको जीवन दे रहा है, लेकिन अपने पाले हुए लोगों के द्वारा ही क्या हो रहा है, वो अपमानित हो रहा है, सब लोग उसका तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, ठीक है। उसका तो हमको सम्मान करना चाहिए, लेकिन उल्टा ही हो रहा है, हम उसका क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं कि आज उससे कर मिला, कर मतलब क्या होता है, हाथ होता है, ठीक है। तो आज उससे हाथ मिलाकर नव सृष्टि यानी नई सृष्टि का मैं निर्माण कर लूँ, आज उस कृषक का गान कर लूँ। यहाँ पर कवि जी बोल रहे हैं कि आज मैं उससे हाथ मिला करके क्या कर लूँ, नई सृष्टि का निर्माण कर लूँ और आज मैं उस किसान के गीत गा लूँ, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। छेड़ निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो,
उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। अभी सुनिएगा, यहाँ पर जो कवि जी है वो क्या कहते हैं कि छेड़ निज बलहीन तन को। छेड़ मतलब क्या होता है? निर्बल, ठीक है, निर्बल, दुबला पतला आप बोल सकते हो। निज, निज यानी क्या? खुद का। और बलहीन मतलब क्या होता है? बिना बल का, ठीक है। तन मतलब शरीर। तो ये जो किसान है, इसका जो दुबला पतला शरीर है, बलहीन जो शरीर है, उसको वो क्या करता है? पत्तियों से पालता है। अभी पत्तियों से पालने का मतलब क्या है कि जो किसान होता है ना, इसके पास वस्त्र भी नहीं होते हैं पहनने के लिए, तो वो क्या करता है? अपने तन को पत्तियों से ढकता है, ठीक है। पत्तियों से ढकने का मतलब क्या है? इसके पास अच्छे वस्त्र नहीं होते हैं पहनने के लिए, कैसे भी फटे पुराने कपड़ों को पहन करके अपना जीवन क्या करता है? व्यतीत कर लेता है, ठीक है। उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। उसरों मतलब क्या होता है? अनुपजाऊ भूमि, यानी जो भूमि किसी काम की नहीं है, जो जमीन किसी काम की नहीं है, उसको क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं, ऊसर भूमि, ठीक है। और उर्वरा मतलब क्या? उपजाऊ भूमि, यानी कि जिसके ऊपर फसल उग सकती है, ठीक है। तो ये जो किसान है वो क्या करता है? उसरों को खून से नीज, यानी जो ऊसर भूमि होती है, अनुपजाऊ भूमि होती है, उसको अपनी मेहनत से वो क्या करता है? उर्वरा कर डालता जो। उसको वो उपजाऊ बना देता है, फसल उगाने लायक बना देता है। वो मेहनत करके उस जमीन को, उस बंजर जमीन में भी वो क्या करता है? उसको उर्वरा कर डालता है, उसको उर्वरा वो बना देता है। छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। अभी जो कवि जी हैं वो अपने मन के भाव बता रहे हैं कि छोड़ सारे सुर असुर, यानी मैं क्या करूँ? ये जो देव हैं, जो देव हैं, दानव हैं, सुर यानी देव, असुर यानी दानव, ठीक है। तो सबको छोड़ करके मैं क्या कर लूँ? आज उस कृषक का, आज उस किसान का ध्यान कर लूँ। यानी जैसे हम लोग देवों की उपासना करते हैं, उसी प्रकार से जो ये कवि जी हैं वो किसानों की क्या करना चाहते हैं? उपासना, उनकी वंदना करना चाहते हैं। तो क्या बोला उन्होंने कि छोड़ सारे सुर असुर, सभी देव देव और दानों को छोड़ करके आज मैं उसी का ध्यान कर लूँ, उसको क्या कर लूँ? नमस्कार कर लूँ और उस कृषक का गान कर लूँ। यानी वो किसान के गीत को गाना चाहते हैं, ठीक है। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे। जोड़ कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। अभी यहाँ पे जो कवि जी हैं वो क्या लिखते हैं कि यंत्रवत जीवित बना। यंत्रवत मतलब क्या होता है? मशीन के जैसा, ठीक है। तो जो किसान है वो कैसा बना है? मशीन के जैसा बना हुआ है। जैसे जो मशीन होती है, क्या वो अपने अधिकारों की मांग कर सकती है? नहीं कर सकती। वैसे ही जो किसान है ना, वो मशीन की तरह काम करता रहता है, वो बेचारा अपने अधिकारों की मांग भी नहीं करता है, है ना। तो वो उसका जीवन कैसा है? यंत्रवत यानी मशीन के जैसा है। और यह सब देख करके जो मनुष्यता है, जो मनुष्यता है, आज रो रही है, आज बड़ी ही निराश है। कौन निराश है? मनुष्यता, मानवता, ठीक है। फिर नीचे की लाइन में कहते हैं कि जोड़ कण 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 उसी के नीड़ का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। यानी कर कर जोड़ करके मैं क्या कर दूँ? नीड़ मतलब क्या होता है? घोंसला, ठीक है। तो घोंसला अर्थात घर, ठीक है। तो मैं क्या करूँ? उसका एक घर का निर्माण कर दूँ, जिसमें उसको सारी सुविधाएं दी जाए, सब कुछ उसका जो जीवन है सब कुछ एकदम अच्छे से चलने लगे, ठीक है। मतलब वो क्या करना चाहते हैं? किसानों की मदद करना चाहते हैं, यानी जो उनकी दुर्दशा है उसको वो अच्छी करना चाहते हैं। कौन? ये जो कवि जी हैं वो। और फिर लास्ट में वो कहते हैं कि आज उस कृषक का गान कर लूँ, यानी मैं उस किसान के गीत गाना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका गीत कृषक गान, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे शब्द संसार देखेंगे। तो मधुमास मतलब बसंत ऋतु, सृजक यानी रचना करने वाला, और मनुजता यानी क्या होता है? मनुष्यता। पालित यानी पाला हुआ, आश्रित। उसर यानी बंजर और अनुपजाऊ भूमि, और उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि, नीड़ यानी क्या? घोंसला, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहती हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे? प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से आप जा करके किसी भी लेसन का क्वेश्चन और आंसर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।